जंगलों में रहने वाले को सलाम तेरी आंखों के मतवाले। दोस्तों ये सॉन्ग पर इस तरह का ट्रांजिशन रील इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है और यदि इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इस वीडियो को VN एप्लीकेशन में आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर वीडियोस आपको इंपोर्ट करने होंगे एडिटर में, जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे। और ये आप जानते हैं कि पहले आपको नॉर्मल ड्रेस में वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके बाद अदर कोई ड्रेस में वीडियो को रिकॉर्ड करना है, यानी कि दो रिकॉर्डिंग्स आपको करनी है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगी एडिटर में जाने के बाद कि कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। फिलहाल समझते हैं कि दो वीडियो जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए आप यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं रील ले रही हूँ डायरेक्ट, मैं आपको दो क्लिप इंपोर्ट करने की बात कर रही थी। यहाँ पे रील डायरेक्ट इसलिए ले रही हूँ, ये नेक्स्ट कर लिया, कि मैं इस रील के थ्रू ही आपको बताऊँगी कैसे वीडियो बनेगा। ओके, पहले जब आप यहाँ पर दोनों क्लिप्स अपने लेंगे तो ये वाला जो एंड पार्ट है इसको डिलीट आपको करना, क्योंकि हमारे वीडियो में आ जाता है। एंड यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट करेंगे 9:16 की फर्स्ट रेशियो। ओके, अब जानते हैं कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे की जाती है और कैसे एडिटिंग की जाती है। तो रिकॉर्डिंग गाइस मैं आपको करके तो नहीं बता सकती, बट हाँ मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँगी कि आप कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि ये यूज़र हैं, इन्होंने अपना वीडियो नॉर्मल रिकॉर्ड किया, मतलब कि कैजुअल सा आउटफिट है उसमें इन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड करा है। बैकग्राउंड भी बहुत ही कैजुअल सा है, मतलब आपका फर्स्ट वीडियो बहुत कैजुअल होना चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, अब आपका जो लास्ट वाला एक्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके, कोई कैमरे के ऊपर हाथ रख के वीडियो को फिनिश करता है अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग को। ओके, कोई कैमरे को ऊपर करके फिनिश करता है, कोई चुन्नी लेकर फिनिश करता है, तो ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो जैसे कि ये यूज़र हैं, इनका मैं लास्ट एक्शन आपको दिखाती हूँ कि क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका लास्ट एक्शन है, इन्होंने अपने कैमरे को इस तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ स्वाइप किया है, मतलब कि फेस को हाइड किया है। ओके, एंड उसके बाद जैसे ही इन्होंने फेस को हाइड किया वैसे ही इनका नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये आ जाता है। तो ये अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं नॉर्मल जो बनाया था। उसके बाद क्या होता है कि कैमरे को ऑफ करने में भी बीच में एक क्लिप आ जाती है, मतलब कि रफ पार्ट बोल सकते हैं, जब आप कैमरा ऑफ करेंगे तो वो भी पार्ट आपके वीडियो में आ जाएगा, तो उसको भी आपको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए यहाँ पर नीचे फोर्थ ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, आपको इस तरह से स्प्लिट करना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है आपकी वीडियो में, जैसे आपका लास्ट एक्शन है उसके बाद आपको कैमरा ऑफ करना है, वो वाला रफ पार्ट आ जाता है, तो उसको आपको इस तरह से स्प्लिट करना है। जैसे कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये तो ठीक है। ओके, एंड उसके बाद आप आउटफिट चेंज करेंगे, देन कहीं भी अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेंगे आउटफिट चेंज करके, एंड अपने सेकेंड वीडियो को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर आपने फर्स्ट वाला जो लास्ट एक्शन था वो एंड किया था। ओके, इस तरह से आगे के एक्शंस करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितने अच्छे आपके एक्शंस होंगे उतना अच्छा आपका वीडियो होता है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन रील्स बनती हैं। और ये जानते हैं कि आपका जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है वो कहाँ तक आएगी म्यूज़िक के हिसाब से। ओके, तो म्यूज़िक कैसे ऐड करना है यहाँ पर वो भी बता देती हूँ। म्यूज़िक ऐड करने के लिए जस्ट ऊपर PIP ऑप्शन मिलता है आपको, टैप टू ऐड स्टिकर क्लिक करेंगे, वीडियो फोटो पे क्लिक करेंगे। एंड म्यूज़िक ऐड करने के लिए मैं यही वाला वीडियो लूँगी, मैं चाहूँ तो इसी से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ म्यूज़िक को, बट एग्जाम्पल के लिए नीचे आपके दो क्लिप्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपको ऊपर इस तरह से रील लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, और इसी रील से आप म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट थर्ड ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसका म्यूज़िक आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एंड वीडियो को डिलीट कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर म्यूज़िक ऐड हो जाएगा। और ये नॉर्मल जो वीडियो है ये आपको कहाँ तक रखना है ये जानते हैं, ये आपको यहाँ तक रखना है, तो स्प्लिट कर लेते हैं। और नॉर्मल वीडियो आएगा आपका लगभग 9:33 सेकेंड तक,
ओके ये आप, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन रील्स बनती हैं। एडिट करना बहुत आसान होता है, रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग सकता है, बिकॉज ये आप जानते हैं कि एक्शंस अच्छे से करना और फिर चेंज करना, ये सब प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। ओके तो वीडियो को कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको कर लेना है एंड एक्सपोर्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की वायरल अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।